गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लोगों ने कमेंट भी किया, काफी सारे लोगों ने दोस्तों ने बताया भी, न्यू ईयर 2024 के एक वीडियोस बनाओ, वीडियोस क्लिप बनाओ, कुछ मैसेज दो, कुछ शानदार कुछ पॉइंट अपने अपने अनुभव से कुछ बताओ, कुछ लोगों को जागरूक हो, लोगों को पता हो पाए, आपके वीडियोस देखे व्यूज आए। पर दोस्तों, मैं व्यूज और वीडियोस के लिए ही मैं काम नहीं करता, मैं वो पॉइंट्स पे मैं बात करता हूँ जिससे लोगों को फायदा हो पाए, लोगों को उसे कुछ सीख मिल पाए, लोग अपने लाइफ में, लोग अपने जर्नी में कुछ बड़ा कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, कुछ बेटर कर पाए, कुछ बेहतरीन कर पाए, इसके लिए वीडियोस बनाता हूँ। और जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितना भी मैं सीखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों पास में डिलीवर करने के लिए। सो दोस्तों, मैं इतना ही बात करूंगा, 2023 आपके पास कैसा बीता, क्या बीता, किस तरह से बीता, कौन सी परिस्थितियां आई। काफी सारे लोगों के अंदर उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहता है और इन 2023 में भी शायद आया होगा। और इस साल का एंडिंग वक्त है 31 दिसंबर और आज है संडे। और आज की डेट में पता है क्या क्या करेंगे लोग? प्लानिंग करेंगे रात को, चिकन मटन कहाँ से लाएंगे, दारू का ठेला कहाँ कहाँ से, कितना पैक दारू, कितना बोतल बियर लाएंगे, कौन सा चिल बियर, क्या क्या पता नहीं, ब्रांड तो मुझे पता नहीं है, काफी सारे ब्रांड का डिस्कस होगा। उसके बाद रात को बस दारू पार्टी चलेंगे, रात भर चिल्लाएंगे, कल दिन भर खराटा मार के सो जाएंगे, फिर परसों से वही दशा रहेगी। तो इस एक्टिविटीज के लिए फिर मैं मोटिवेशन है और एजुकेशन वीडियो बना के फायदा क्या है। तो सो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को, अगर आप अपने लाइफ में, अगर आप अपने कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने लाइफ को, जो स्ट्रगल, जो जिंदगी जो आ रही है, हर इंसान अपने लाइफ को इजी वे में बदल सकता है, चेंज अप कर सकता है दोस्तों, बढ़ सकते उस लायक काम करके, मेहनत करके। मेहनत प्लानिंग से करना पड़ता है, प्लानिंग एजुकेशन यानी आपकी डिसीजन और एजुकेशन जो है ना, वो डिसीजन आपकी सही होना चाहिए, एजुकेशन भी, यानी गलत लड़की को पकड़ के और खतरनाक तरीके से प्यार कर लेंगे तो नहीं होगा ना। और लड़की गलत करेंगे और गलत लड़की सही है और खतरनाक तरीका से आप गलत तरीका से उसको व्यवहार करेंगे तो ये नहीं होगा ना। तो सो दोस्तों, आपकी प्लानिंग और एजुकेशन दोनों है, आपकी जो डिसीजन है, आपकी जो गोल है उसको, और काम करने की ताकत, काम करने के लहजा, वो सारी चीज आपके ऊपर होना चाहिए। तो सो दोस्तों, मैं इतना ही बताऊंगा, 2023 में, 2023 30 नहीं, 2023 में आपको क्या बीता है, क्या परिस्थिति आई, कैसी प्रॉब्लम आई है, इन सारी चीजों के ऊपर। तो इसी तरीके से आपकी जो की है, आपका जो गोल है, आपकी जो टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए 2023 में आपको, 23 में जो आप जो कि आपको क्या क्या बीता है, कौन सी परिस्थिति आई, इसको साइड में रखिए। आज संडे 31 दिसंबर, तो आज की डेट में आपको एक टारगेट बनाइए, 2023 में मैंने कौन कौन सी गलतियां किया, कौन कौन से मिस्टेक किया, इसको पहले अपने आप को चेक करें। और इंसान फेल कहाँ होता है पता है? सबसे ज्यादा फेल वही होता है जो अपने आप को, अपनी गलतियों को ढूंढता ही नहीं है, अपनी गलतियां मानने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करता है इंसान। 95% लोग की यही सोच, और इसी के साथ जो कि है दिक्कतें, ये सारी चीजें, प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम्स को ना आए तो पहले मैंने क्या 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 गलतियां किया उसको निकालिए, उसका लिस्ट एक बनाइए, और संडे का दिन की एक्टिविटीज अगर आप कर पाए तो इसको कीजिए। और उसके बाद में आने वाला संडे, जो कि आने वाला, जो कि 2024 में आपको क्या क्या करना है ये बनाइए, और एक और लिस्ट 2030 में आपने क्या क्या किया और क्या क्या बेहतर हुआ, कौन सी टारगेट पे आपको अचीव हुआ और कौन सा नहीं हुआ। एक कैलकुलेशन है सर, कैलकुलेशन को अगर फाइंड आउट करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि उनके स्टाफ सारे चीज, अकाउंट्स जो कि अकाउंट सेक्शन सीए सारी चीज को हायर करते हैं ना, मैनेजमेंट जो कि हायर करते हैं, तो यही सारी चीजों को कैलकुलेशन ही करते हैं और कैलकुलेशन से सारा बिजनेस चलता है। तो अपने आप को भी, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को एक अच्छी बेहतरीन तरीका से जीना है, तो क्या अपने आप को कैलकुलेशन 4-5 घंटे नहीं दे सकते सर? बिल्कुल दे सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल मैं दे सकता हूँ, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो बिल्कुल आज एक डायरी पेन उठाइए, क्या क्या मैंने गलतियां किया उसको एक लिस्ट बनाइए, क्या क्या गलतियां किया
उसको एक लिस्ट बनाई है, और कौन कौन सी गोल था मेरा 2023 का, पिछले साल का, और क्या क्या अचीव किया उसको बनाइए, और कौन 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 से काम को बेहतर ढंग से किया उसको बनाइए, और 2024 में आपके आने वाले समय में क्या करने वाले वो बनाइए इजी वे में। यानी जो बचपन होता है ना, बचपन के बचपनाहट, तब सारा चीज, सब कुछ हमें याद रहता है, सब कुछ माइंड में रहता है, एक एक अलग सा ही माहौल रहता है उस वक्त। तो उसका माहौल की तरह ही हम बचपन की तरह एक सोचे, एक सक्सेस, एक बच्चे की तरह, एक आम व्यक्ति, एक नॉर्मल इजी वे में उसको बनाए, और इजी वे में काम करे, और खुशी होके, पूरे हैप्पीनेस होके 2024 की आपके टारगेट, आपके गोल, आपके लक्ष्य सब कुछ पूरा हो। तो मेरे तरफ से हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को, माय डियर कलीग्स, माय फैमिली मेंबर्स, माय फ्रेंड्स, मेरे टीम मेंबर्स, एवरीथिंग, टू ऑल ऑफ यू, टू एवरीवन, एवरीबॉडी, सारे लोगों को इस नए साल की, न्यू ईयर की 2024 को, नए साल के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।